मित्रों, मैं सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं आरजे न्यूज। आरजे न्यूज में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में स्वास्थ्य विभाग कोरोना योद्धाओं पर हेलीकॉप्टर द्वारा की गई पुष्प वर्षा। स्वास्थ्य विभाग को कर्मचारियों का बड़ा मनोबल। आपको बताते चले कि अपनी जान जोखिम में डालकर कोरोना वायरस से लोगों की जीवन बचा रहे स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ कर्मचारियों पर शासन के निर्देश अनुसार आज जिला अस्पताल में हेलीकॉप्टर द्वारा पुष्प वर्षा की गई। इस अवसर पर सभी डॉक्टर, सभी नर्सेस, सभी फार्मासिस्ट एवं सभी सदस्यगण उपस्थित रहे और इमरजेंसी के बाहर खड़े रहे और वायुसेना के लिए हेलीकॉप्टर द्वारा पुष्प वर्षा जब की गई तो सीएमओ डॉक्टर विनीत कुमार ने कहा कि हमारे लिए बहुत गर्व की बात है और मनोबल बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा पुष्प वर्षा की गई और मेरे विभाग आभारी है और मैं धन्यवाद देता हूँ उन कोरोना योद्धाओं का जो हमारा मनोबल बढ़ा रहे हैं। हाँ, आज हेलीकॉप्टर द्वारा यहाँ जितने भी हमारे स्वास्थ्य कर्मी इसमें लगे हुए हैं, जितने भी कोरोना वॉरियर्स हैं, उन सब की स्वागत के लिए आज फूल से वर्षा की गई हेलीकॉप्टर के द्वारा हमारी इमरजेंसी वार्ड के ऊपर। और ये हमारा हिम्मत बढ़ाने के लिए और हमारी इसमें कार्यशैली को इम्प्रूव करने के लिए और इसमें इस कोरोना से कोरोना के प्रति लड़ाई लड़ने के लिए ये वर्षा की गई है। हम बहुत खुश हैं और सभी हमारा स्टाफ भी पूरा खुश है। इसके लिए हम शासन के और एयरफोर्स के बहुत बहुत आभारी हैं। सर, जानना चाहेंगे आज शासन के निर्देश पर कुछ वर्षा की गई कोरोना वायरस के ऊपर, क्या कहना आप कैसे सर? हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं सभी उन लोगों का जो कोरोना के विरुद्ध इस लड़ाई में हम लोग जो लगे हुए हैं, हमारे चिकित्सा कर्मी, हमारे चिकित्सा अधिकारी कर्मचारी, पैरामेडिकल वर्कर्स, हमारे पुलिस के कर्मचारी अधिकारी, प्रशासन के कर्मचारी अधिकारी, अन्य सभी विभागों के लोग, नगर निगम के लोग एवं अन्य सभी लोग जो कोरोना के विरुद्ध इस लड़ाई में लगे हुए हैं, उनके योगदान को अनुभव करते हुए, उनके योगदान का सम्मान करते हुए इतना बड़ा सम्मान इन सबको दिया गया पुष्प वर्षा करके, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ और अपने सभी विभाग के सदस्यों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।